तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में फिर से कह रहे हैं ब्लॉक्स रोड और आज है एपिसोड नंबर 92। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे एक न्यू फ्रूट का शोकेस, जो कि अभी अभी रिवर्क हुआ है। जस्ट तुम लोगों को पता ही होगा वो फ्रूट है भाई गोस्ट फ्रूट, मतलब रिवाइव फ्रूट का नया रूप बना ऐसा। और यहाँ पे हेलोवीन इवेंट भी चल रहा है, तो उसको भी जस्ट देख लेते हैं। और यहाँ पे भाई एक न्यू चीज़ भी ऐड करी है कि यहाँ से हम लोग बोन्स ट्रेड करते थे, तो उसके बदले हमें फ्रैगमेंट्स या हमें एक्सपी मिलता था, एक्सपी कार्ड मिलता था जस्ट। तो यहाँ पे फाइनली इसने ऐड कर दिया है यहाँ पे फ्रूट का, जो कि होना चाहिए था काफ़ी टाइम से, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे उनको एसएस मिला था, तो मैंने सोल रिपर यहाँ पे स्पॉन कर दिया है। और यहाँ पे सोल रिपर का मेरा वैसे काम तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन एक्सपी के लिए इसको मार देता हूँ मैं, क्योंकि भाई एक्सपी तो अभी भी चाहिए मेरे को, और सोल रिपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपी है यार। और वैसे लिवाइथम बॉस को उनको बीट करना था, लेकिन ऐसे यहाँ पर मैं बीट कर भी रहा हूँ, पता नहीं क्यों, आई थिंक करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे फाइनली आज मैं अपना फ्रूट चेंज करने वाला हूँ साउंड फ्रूट से। काफ़ी दुख हो रहा है, पर मेरे को चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बाउंटी हंटिंग के लिए उतना बेटर है नहीं ये फ्रूट। लेकिन भाई यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया इस फ्रूट के साथ में, और काफ़ी टाइम तक मैंने इसको रखा भी। तो फाइनली हम लोग चेंज करने वाले हैं, कुछ बाउंटी हंटिंग टाइप का, डो फ्रूट का टाइप का कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो क्योंकि थोड़ा बहुत बाउंटी अब करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैं मैक्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ और 50 लेवल बचे हैं मैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे वापस से आ चुका हूँ मैं एक बार और फिर बोन्स के लिए, तो ट्रेड करके देखते हैं 2 घंटे में कर सकते हैं हम फिर से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पता मिले कोई फ्रूट, आई थिंक मिल सकता है यार। पहले हमें फ्रूट मिलता था शिप रेड से या फिर पायरेट कैसल रेड से मिलता था फ्रूट, लेकिन फाइनली इन्होंने ऐड कर दिया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे ऐड करा इन्होंने। लेकिन भाई यहाँ पे फ्रूट मेरे को मिल नहीं रहा है, क्योंकि चांसेस आई थिंक गाचा से भी रिड्यूस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब अलग लेवल पर रिड्यूस हो गया है यहाँ पे का चांसेस। तो मुझे तो मिल नहीं रहा भाई, तुम लोगों को मिले तो बताना मेरे को। यहाँ पे 101 के करीब बोन्स बची हैं, जो कि मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो फिर से किसी ने सोल रिपर को स्पॉन किया है, तो जाके हाथ 2-4 मार के आ जाते हैं उस पर, क्योंकि भाई यहाँ पे सोल रिपर ना मतलब एक्सपी ठीक ठाक दे देता है, लेकिन भाई सोल रिपर के लिए हेलो साइड ड्रॉप करता है, वो मेरे काम का है नहीं वैसे। तो यहाँ से मैग्मा यूज़र भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं मैग्मा वाले पता क्या, फर्स्ट सी में काफ़ी मतलब एग्रेसिव रहते हैं, सेकंड सी के लिए तो कुछ खास है नहीं। अब सेकंड सी में अवेकनिंग करने के बाद थोड़ा दिक्कत देते हैं, थर्ड सी में मैग्मा इतना नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे धुआं तो भाई कर रहे हैं कोशिश लोग, लेकिन मैग्मा फ्रूट ना सी भी हंटिंग के लिए बेस्ट फ्रूट है, और लिवाइथम के लिए तो हमें चाहिए पड़ेगा आई थिंक। तो देखते हैं मैग्मा तब की तब देखेंगे, अभी तो यहाँ पे तुम घोस्ट फ्रूट के मज़े लो और हेलोवीन का मज़ा लो। बिल्कुल हेलोवीन का कार्व्ड पंकिन लग रहा है बिल्कुल, और यहाँ पे बैकग्राउंड में कुत्ते भी भौंक रहे हैं देखो, बिल्कुल मतलब हॉरर फील देने के लिए भाई एक नंबर हो रहा है बिल्कुल, बताओ। तो यहाँ पे हम चलते हैं मेंशन में, और वहीं पे जाके हम लोग खाएंगे घोस्ट फ्रूट को। लेकिन उससे पहले एक बार जस्ट मैं दिखा देता हूँ कौन से फ्रूट आ रखे हैं स्टॉक पे, कुछ अच्छा है तो अभी ले भी लूँगा मैं साथ के साथ ही, लेकिन मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। तो काशपुदा होता है स्टॉक पे, मैं वैसे नहीं खाता लेकिन फिर भी होता। तो यहाँ पे उसके बाद में आता है एक बंदा जो कि होता है मेरा सब्सक्राइबर या फ्रेंड तुम कह सकते हो, सब कुछ है। तो उससे हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाता है मेरे साथ थोड़ा सा स्कैम, तो मैं जिसको समझ नहीं पाता भाई उसके थ्रू मैं देख नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली स्कैम हो चुका है मेरे साथ ऐसा तुम लोग कह सकते हो। लेकिन भाई ये स्कैम मैंने खुद करवा दिया एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे पहले मेरे को भाई मैं लालच में आ गया था, मेरे को लगा शेडो फ्रूट मेरे को मिल गया है, लेकिन भाई एक्चुअल में हुआ ही यूँ कि शेडो फ्रूट के बदले उसको ड्रैगन की ट्रेड मिल रही थी, तो इसलिए उसने वापस मांग लिया। तो एक तरह से मेरे साथ स्कैम भी हुआ है, लेकिन भाई एक तरह से अच्छा भी हो गया कि भाई मेरा स्कैम हो गया, क्योंकि मेरे पास तो तगड़े फ्रूट है थे नहीं, लेकिन उसको ड्रैगन मिल गया तो ये अच्छा हुआ एक तरह से, ऐसा कह सकते हो तुम लोग। लेकिन भाई अगर तुम किसी ऐसे बंदे से जानते नहीं हो जिसको अगर वो बंदा ऐसा करे तो तुम लोग भाई कमेंट में गालियाँ लिख लिख कर थक जाओगे, मतलब लिटरली ऐसा मैंने देखा है यार, कई लोग स्कैम करते हैं, लेकिन भाई वो तो मेरे को जानते थे तो मैं इसको स्कैम में नहीं गिनूँगा, क्योंकि भाई वैसे भी देना ही था मेरे को उसको फ्रूट, काफ़ी टाइम से मिल दिया नहीं था।
तो फाइनली, और वैसे पोर्टल फ्रूट और फिनिक्स फ्रूट मिल ही जाते हैं यार, मतलब मिथिकल भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही फ्रूट्स हैं लेजेंडरी। अब बुधा भी होता है तो मैं भी कहता भाई कि हाँ यार बुधा है, फ्रूट है, लेकिन भाई सिंपल फ्रूट्स के लिए कुछ कहने की बात होती नहीं भाई, ऐसे दे दो। तो यहाँ पे मैं जस्ट तुम्हें एनिमेशन दिखाना चाहता था गोस्ट फ्रूट के, जो कि काफ़ी कूल लगते हैं भाई, और यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ अब। लेकिन यार फाइनल अटैक अभी खोलना बचा है, रिवाइव के टाइम पर जब मैंने उसका शो केस किया था ना, तब यहाँ पे मैंने लास्ट अटैक छोड़ दिया था इसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया था, क्योंकि जिसका पिछला फ्रूट वर्जन था ना भाई, उसको किसी को पसंद नहीं है रिवाइव का, क्योंकि उसमें खास कुछ था ही नहीं, ट्रैवलिंग के लिए बस बस हवा में उड़ रहा था थोड़ी देर, बाकी कुछ खास था नहीं। लेकिन अब फाइनली इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन यार अभी भी काफ़ी ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें रिवर्क होने की काफ़ी ज़रूरत है। सबसे बड़ा एग्जांपल है कंट्रोल फ्रूट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, वो अभी मिथिकल में होना डिजर्व नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई उसने बहुत काम बचा है, क्योंकि उसके एनिमेशंस भी कूल कर सकते हैं और उसके डैमेज वगैरह काफ़ी बढ़ा सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा अगर। और यहाँ पे रबर का भी आई थिंक कभी ना कभी ज़रूर से रिवर्क आएगा, क्योंकि रबर भाई लूफी का फ्रूट है, ऑब्वियसली वो तगड़ा होना बनता है, क्योंकि ब्लॉक्स फ्रूट का ये इतिहास रहा है कि जो भी तगड़े फ्रूट्स हैं, जैसे कि काइडो का ड्रैगन फ्रूट है या बिग मॉम का स्पिरिट फ्रूट है, वो भाई मिथिकल में रहते हैं। लेकिन लूफी का फ्रूट जो कि भाई मतलब पूरे वन पीस कहानी का मेन फ्रूट है, उसको काफ़ी नीचे रखा हुआ है। तो आई थिंक रबर फ्रूट का आने वाला है बहुत भयंकर सा मेरे हिसाब से रिवर कभी ना कभी, और भाई उसकी वैल्यू जो होगी ना वो लियो से ऊपर चली जाएगी एक दिन। तुम लोग जस्ट देखना, मेरी बात कोट करनी हो तो कर लेना भाई, जरूर से आएगा एक दिन, देख लेना। तो यहाँ पे भाई मैं अपने खुद की प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, मैं कहीं से सुना नहीं है, जस्ट मेरे को लग रहा है कि भाई मतलब ब्लॉक्स फ्रूट का जो इतिहास है ना उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर तुम लोग मुझे गालियाँ देना चाहते हो तो भाई मेरे को मत देना गाली। तो यहाँ पे फाइनली थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और मतलब ठीक तो है यार फ्रूट यूज़ करने के लिए, लेकिन भाई बाउंटी हंटिंग के लिए अगेन काफ़ी बेकार फ्रूट है, लेकिन ठीक है, चलो तुम लोग इंजॉय कर सकते हो कूलनेस के लिए। तो गाइस वीडियो में बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।